मॉर्निंग टू ऑल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 10 साइन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस. देन प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत न्यूट्रिशंस होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन का मूड और आपका ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है. तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत देखेंगे रेस्पायरेशन प्रोसेस. तो रेस्पायरेशन प्रोसेस अगर इसको डिफाइन करें तो मेनली जो होता है, रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड एंड बर्न इन द सेल बॉडी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. तो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें हम जितने भी फूड लेते हैं, फूड स्टफ लेते हैं, उनका जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है. किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन किया जाता है एंड एनर्जी जो है रिलीज़ किया जाता है. ठीक है, बॉडी में एनर्जी रिलीज़ किया जाता है. और यह जो सारी प्रक्रिया होती है आपका सेल का जो माइटोकांड्रिया होता है वहाँ पे होता है. ठीक है, जो रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह आपका सेल के माइटोकांड्रिया के अंदर होती है. ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड डरिंग द रेस्पायरेशन यूज टू मेक एटीपी. और जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पायरेशन के दौरान, उसका यूज जो है हम एटीपी के रूप में करते हैं, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट मॉलिक्यूल्स के रूप में. ठीक है, फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राई फास्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट. ठीक, एनर्जी जो रहता है उसको एटीपी एडीपी और आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में हम लोग जो है उस मॉलिक्यूल्स का जो है हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्वेशंस के माध्यम से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी है प्लस उसमें एक फास्फेट जो है आपका जुड़ गया है, तो क्या हो गया हमारा उसमें प्रेजेंट ऑफ एनर्जी एंड आपका फ्रॉम रेस्पिरेशन के दौरान जो है हमारा क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बन जाया. ठीक है, एडीपी फॉस्फेट प्रेजेंट ऑफ एनर्जी एंड फॉर रेस्पायरेशन एटीपी प्रोड्यूस. ठीक, एनर्जी इज लोकेटेड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो सेल के अंदर जो एनर्जी होता है वह एटीपी के रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म होता है, बनता है. व्हेन द सेल नीड एनर्जी, सभी सेल्स को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एटीपी इज ब्रोक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फ्रॉम एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. तो एटीपी होता है उसका ब्रोक डाउन होता है, तो जो है यह जो है वाटर के प्रेजेंट में उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वह एडीपी और एनर्जी के रूप में रिलीज होती है. ठीक है, एटीपी हो गया, प्रेजेंस ऑफ वाटर में इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो यह हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी के रूप में रिलीज होती है हमारे बॉडी के लिए. ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखें तो रेस्पायरेशन जो होता है ह्यूमन में होने वाला एक एसेंशियल प्रोसेस होती है. ठीक है, जिसमें हमारा फूड स्टफ का जो है ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त होता है. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मेनली रोल प्ले करता है. ठीक है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में. ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन देखें तो मेनली टू टाइप्स का होता है रेस्पायरेशन जो होता है, दे आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन. ठीक है, एक एरोबिक होता है, एक आपका एनारोबिक होता है. एरोबिक प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति के, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक जो होता है आपका प्रेजेंट आपका अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन देखते हैं. टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी. द एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इट टेक प्लेस इट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. मेनली मोस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अगर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखें तो उसमें जो है एरोबिक रेस्पायरेशन होता है. जी ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड के मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसमें जो है आपका बहुत सारे जो होते हैं आपका एनर्जी जो होते हैं वह प्रोड्यूस होते हैं, और आपका उसमें प्रोडक्ट के रूप में, इन प्रोडक्ट के रूप में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और आपका एनर्जी जो है रिलीज होते हैं, बनते हैं. किसमें? एरोबिक रेस्पायरेशन में. ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह रेस्पायरेशन होता है. ठीक है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनते हैं. ठीक है, अब यह जो है मोस्ट
ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स में है वो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। इन एरोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और यह जो पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के जो ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज होता है वह आपका कन्वर्ट पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में जो है कन्वर्टेड होता है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ठीक है साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरूवेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो पाइरूवेट होता है वह जो कन्वर्ट होकर क्या बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ठीक है इन तीन चीज़ को ये बनाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में आपका इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे ठीक है ये ग्लूकोज हो गया प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन साइटोप्लाज्म में जो है आपका ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का फॉर्मेशन करता है। तो पाइरूवेट जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया के रीजन में चला गया ठीक है। यहाँ पे कहाँ था साइटोप्लाज्म में था प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पाइरूवेट बना। तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स में जब प्रोसेस हो रहा है तो पाइरूवेट जो है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O वाटर एंड एनर्जी के रूप में बन रहा है ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है। यह प्रोसेस क्या होता है हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन ठीक है। एनारोबिक रेस्पायरेशन देखें तो एनारोबिक में हमारा टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी द एंड ऑफ प्रोडक्ट एंड लैक्टिक एसिड और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल एंड ईस्ट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है आपका एनारोबिक प्रोसेस होती है। इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी इसमें जो है एनर्जी बहुत कम प्राप्त होती है। द एंड प्रोडक्ट के रूप में इसमें लैक्टिक एसिड एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कौन कौन सा लैक्टिक एसिड एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है ठीक है। इसमें बहुत कम मात्रा में एनर्जी आपको प्राप्त होती है। इट टेक प्लेस मसल सेल और यह जो प्रोसेस होती है हमारे मसल सेल्स में होती है एंड ईस्ट में ठीक। इन एनारोबिक रेस्पायरेशन इन मसल सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो एनारोबिक की जो रेस्पायरेशन होता है उसमें मसल सेल्स में जो है आपका ग्लूकोज जो होता है वह पाइरूवेट में जो है कन्वर्ट होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण एब्सेंस के कारण जो पाइरूवेट होता है वह जो होता है लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है ठीक है। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में देख सकते हैं ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म वाले रीजन में हो रहा है सेल का तो क्या फॉर्मेशन करेगा पाइरूवेट। तो पाइरूवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन मसल सेल्स में हो रहा है यह प्रक्रिया या साइटोप्लाज्म में था यहाँ मसल सेल्स में यहाँ भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो पाइरूवेट बना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा ठीक है। दैट इज़ अ एनारोबिक क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है। यहाँ भी हम लोग देखे थे सेम था यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में देखे तो पाइरूवेट बना था इन साइटोप्लाज्म यहाँ भी ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म बना आपका साइटोप्लाज्म में क्या बना पाइरूवेट बना यहाँ पे पाइरूवेट बना। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में था और यहाँ पे हमारा मसल सेल्स में था तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी प्राप्त हुआ क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट अनुपस्थित है ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो हमारा क्या बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा ठीक है। एनारोबिक रेस्पायरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ठीक है। एनारोबिक रेस्पायरेशन एंड इन ईस्ट और ग्लूकोज ईस्ट में देखें तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पाइरूवेट कन्वर्टेड बाई एथेनॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड और सम एनर्जी ठीक
यह प्रोसेस क्या कहलाती है हमारा, फर्मेंटेशन कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से है, हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है इन साइटोप्लाज्म तो पाइरुवेट बना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन स्टम में तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यह हम लोग तीन प्रोसेस देखिए आपका, एरोबिक के अंतर्गत इक्वेशन नंबर एक, एनारोबिक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मसल सेल्स में देखें तो हमारे लैक्टिक एसिड और आपका एनर्जी हुआ, यहाँ पे CO2H2 और एनर्जी प्राप्त हुआ, और हमारा अगर ईस्ट में देखें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हमारे क्या हुआ, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यह हमारा रेस्पायरेशन के अंतर्गत हम लोग एरोबिक और एनारोबिक देखें। ठीक, यहाँ हम लोग इक्वेशन में देख सकते हैं आपका फ्लो चार्ट के रूप में इसमें दर्शाया गया है आपका ब्रेक डाउन ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन वायरस पैथवे में किस प्रकार से होता है। तो हमारे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में देखें तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में तो हमारा क्या बनेगा, एनर्जी और आपका पाइरुवेट बनेगा। तो पाइरुवेट जो होगा वह तीन में डिवाइड किया गया है, हम देखें तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन देखें इन माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी बनेगा। ठीक है, इसी पाइरुवेट को हम लोग अगर इन मसल सेल्स में देखें तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। ठीक है, और इसी पाइरुवेट प्लस एनर्जी को हम लोग अगर आपका इन ईस्ट में देखें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा एथेनॉल CO2 और एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, एक यहाँ है हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो कि एनर्जी के रूप में तीनों में प्राप्त होगा, आपका प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन है। ठीक है, तीनों जो है हमारा ग्लूकोज का किस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में किस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है और क्या प्राप्त होता है, इसको जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। ठीक है, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन में देखें तो मेनली ह्यूमन का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है हायर कॉर्डेट्स में आते हैं और इसमें जो ऑर्गन सिस्टम है वेरी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें, ठीक है, और इसमें जो प्रोसेस है वह भी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें मेन ऑर्गन के रूप में हमारा द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम देखें ह्यूमन में तो नॉस्ट्रिल होता है, नेसल होता है, नेसल कैविटी होता है, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, लंग्स एंड डायफ्राम्स, दैट इज अ मेन ऑर्गन रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे अपरेटस है, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये आपका ह्यूमन का आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ह्यूमन का डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग उसका ऑर्गन देखें तो सबसे फर्स्ट हमारा नेसल कैविटी होता है, नाक हमारा। ठीक है, नाक का एक अंदर का जो भाग होता है होल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेसल कैविटी। उसके बाद हमारा यहाँ पे ओरल कैविटी होता है। ठीक है, जब हमारा मुंह वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी। ठीक है, इपिग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस इपिग्लॉटिस होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि फूड और एयर के लिए एक 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 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि उसको आने जाने के लिए आदान प्रदान के लिए लगा होता है इपिग्लॉटिस। ठीक, हमारा फेरिक्स वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा लैरिंक्स वाला रीजन हो गया साउंड के लिए। ठीक, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जिससे एयर जो है एयर पास होता है आपका हमारे आपका ब्रोंक्यूल से होते लंग में। ठीक है, हमारा कार्टिलेजेस का रिंग पाया जाता है इस प्रकार से ट्रेकिया में। ठीक है, उसको स्मूथ बनाए रखने के लिए हमारा लेफ्ट लंग है, ऑब्लिक फिसर है और डायफ्राम है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रहता है। हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ब्रोंक्यूल वाला रीजन है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। हमारा राइट ब्रोंकस है, हमारा राइट लंग्स एंड एल्विओली है। यहाँ पे क्या है, एल्विओली है, एल्विओली जहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। ठीक है, इस प्रकार से है हमारा, ये हमारा इसोफेगस का रीजन हो गया ये। ठीक है, इसोफेगस, ठीक है, ग्रास हमारा क्या बोलते हैं इसको, आहार नली होता है जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल बनाता है और हमारे नीचे तक फैला रहता है। एयर इंटर, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस में देख सकते हैं, इन इंटर द एयर,
यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द एयर किस प्रकार से आपका ह्यूमन का बॉडी होता है और किस प्रकार से उसमें आपका हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है विभिन्न ऑर्गन्स के माध्यम से। ये हमारा फर्स्ट ए में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे हमारा मेनली जो आपका ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई से जो ऑक्सीजन है ब्लड वेसल्स वेंस और आपका जो ब्लड वेसल्स है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो एयर आता है उसमें किस प्रकार से जो होता है आपका H2O और CO2 का गैस एक्सचेंज होता है। यह सारा प्रोसेस जो होता है हमारा किस में होता है, हमारा ब्रोंक्यूल्स में होता है, एल्विओली में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के एल्विओली वाले रीजन्स में जो कि इस प्रकार से गुच्छे नुमा संरचना में इस प्रकार से पूरा रहते हैं। इसमें पूरा ब्लड वेसल्स का इस प्रकार से पूरा जाल रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का जाल होता है जिसमें आपका ब्लड वेसल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो जो भी हो, हम लोग बाहर से जो एनर्जी लेते हैं नाक से वो आपका ट्रेकिया ट्रेंक्यूल्स ब्रोंक्यूल से होते हुए हमारा एल्वोलाई वाले रीजन्स में आते हैं, ठीक है, जो CO2 है। और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जो है हमारा आपका ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपका बाहर निकल कर नाक से ही जो है हमारा उसी रास्ते से जो है रिमूव हो जाता है हमारा क्या CO2, ठीक है। लेकिन जो हम लोग सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन आता है उसको जो है आपका डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड वेसल्स में जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारा किसको O2 को, ठीक है, O2 को। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला थर्ड डायग्राम में किस प्रकार से दिया गया है हमारा, ये हमारा एल्वोलाई वाले रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा क्या कैपिलरी बीट्स होंगे, हमारा स्क्वामस एंड एपिथेलियल टिश्यू होगा जहाँ पे हमारा गैस का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो लाल और आपका जो नीला दिख रहा है हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा डिफ्यूजन के माध्यम से गैस का CO2 और O2 का गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है। देख सकते हैं एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, एयर जो है हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर होता है, द हेयर एंड म्यूकस ट्रेप द डस्ट, और जो उसमें हेयर और जो म्यूकस होते हैं वह जो है जो डस्ट होते हैं डस्ट पार्टिकल को जो है ट्रेप करने का काम करते हैं हमारे नोज में, ठीक है। इट देन पासिस थ्रू द फैरिंक्स लैरिंक्स ट्रिकिया ब्रोंकाई एंड इंटर टू द लंग, और यह जो एयर होता है नॉस्ट्रिल से होते हुए पास थ्रू आपका फैरिंक्स में आता है, उसके बाद लैरिंक्स में जाता है, फिर ट्रिकिया, फिर आपका ब्रोंकाई, फिर आपका लास्ट में इंटर होता है हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में इंटर होता है लंग्स में। द ट्रिकिया है रिंग कार्टिलेजेस, तो ट्रिकिया जो विंड पाइप होता है हम लोगों का उसमें आपका रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर कार्टिलेजेस का बना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड पाइप को जो है प्रोटेक्शन या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कार्टिलेजेस का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्सिंग देयर नो एयर ऑफ ट्रिकिया, जो कि जो विंड पाइप होता है ट्रिकिया होता है उसको कोलेप्स या फिर सिकुड़ने से सिकुड़ने नहीं देता है, कौन हमारा जो कार्टिलेजेस का जो रिंग होता है ट्रेकिया में वह जब कोलेप्स होने से रोकता है इन एयर, अगर एयर नो एयर इन ट्रेकिया, अगर ट्रेकिया में एयर नहीं होगा तब, ठीक। द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जो ब्रोंकाई होता है वह स्मॉलर ट्यूब में जो है हमारा डिवाइडेड होता है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इन विच इंड इज टीनी एयर सेक कॉल्ड एल्वुलाई, और उसके अंतिम में जो होता है एक टीनी छोटा सा जो है एयर सेक होता है जिसको हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं, जहाँ पे आपका 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 क्या ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल या गुच्छा होता है, ठीक है, एल्वुलाई में जहाँ पे ही गैस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का डिफ्यूजन के माध्यम से। द एल्वुलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स होंगे थ्रू द विच एक्सचेंज और गैस टेकन प्लेस, ठीक है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसी स्थान पर। द एल्वुलाई हेल्प द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जो एल्वुलाई होता है वह सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, CO2 और O2 के गैस एक्सचेंज के लिए जो एल्वुलाई रीजन होता है वहीं पे जो आपका ब्लड वेसल्स का जाल होता है वहीं पे दोनों में डिफ्यूजन के माध्यम से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका ब्लड वेसल से एल्वेलाई में जाता है, एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन आया रहता है आपका 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 श्वास जो हम लोग लेते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा उस वो जो है आपका ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, यह प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है जितने बार हम लोग आपका श्वास लेते रहते हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है,
तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देख सकते हैं हम लोग, यह जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें गैस का जो है एक्सचेंज होता है CO2 और O2 के रूप में, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एयर इंटर इनटू द लंग्स। जैसे ही हम एयर को ब्रीथ करते हैं या फिर नाक के अंदर लेते हैं तो हमारे मसल्स, हमारे डायफ्राम का जो मसल होता है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है डाउनवर्ड में। डाउन मतलब नीचे जो है सिकुड़ जाए, आपका जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग यहाँ डायग्राम में, इन ब्रीथ जैसे हम लोग सांस को अंदर लिए चेस्ट एक्सपेंड में, तो क्या होगा, हमारा चेस्ट जो है एक्सपेंड हो गया यानी फैल गया, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस प्रकार से इधर फैल जाता है, ठीक है। ये हमारा रिप्स भी हो हमारा फूल जाएगा। अगर हम लोग ब्रीथिंग आउट देखें, जैसे ही हम लोग श्वास को जो है बाहर छोड़ेंगे इस प्रकार से, तो चेस्ट क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएगा, जो यहाँ तक फैला हुआ था वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। हमारा डायफ्राम जो है इस प्रकार जो फूल इधर फैला हुआ था वो हमारा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि इसमें एयर अंदर आ रहा था तो ये हमारा फैल जा रहा था इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग ब्रीथिंग आउट, हम लोग यहाँ से जो है एयर को जो है श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो हमारा डायफ्राम हो गया या फिर हमारा जो चेस्ट हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया इस प्रकार से, ठीक है। यह प्रोसेस होता है आपका ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, ठीक है। और यह जो प्रोसेस होती है इसमें वायुमंडलीय दबाव यानी आपका वायुमंडलीय दबाव पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। एयर का जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है इन आपका, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर जो है यह डिपेंड करता है, और इसके आधार पर ही जो है इसमें आपका ब्रीथिंग इन एंड आउट होता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर मसल डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड मूव अपवर्ड, ठीक, एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर गोज आउट द लंग्स। यह प्रोसेस चलते रहता है दोनों में, ठीक है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। यह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो हम लोग ब्रीथ इन करेंगे, ठीक है। अगर लंग्स का, हमारे जो लंग्स है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हम लोग ब्रीथिंग को आउट करेंगे, बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यह जो मेन रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका हमारे लंग्स का और बाहर के एटमॉस्फेयर का, उस पर जो है हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म जो है चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सप्रेशन और आपका इंस्पिरेशन में किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी किस प्रकार से जो यहाँ पे गुब्बारा रखा हुआ है वाइट ट्यूब में आपका, ये आपका क्या हो जा रहा है, हमारा सिकुड़ जा रहा है इस प्रकार से। जैसे एयर उधर से इंस्पिरेशन हवा आ रहा है तो ये जो आपका जो गुब्बारा लगा हुआ है वह फैल जा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो यह प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है सेम यही प्रोसेस जो होता है हमारे इन साइड द बॉडी लंग्स में होता है, जैसे ही हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ठीक है। फैलना और सिकुड़ना यह प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।